घाटी सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति भी कहा जाता है, और इसका कालखंड 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया गया है। हड़प्पा संस्कृति की खोज सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने सन 1921 में किया था। यह सभ्यता उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दायमाबाद तक तथा पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतकांगेडोर तक विकसित है, और यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु सभ्यता से जुड़े भारत में स्थित महत्वपूर्ण स्थल अहमदाबाद गुजरात के समीप लोथल, राजस्थान में कालीबंगा, इसी तरह हिसार हरियाणा जिले में बनवाली, चंडीगढ़ पंजाब के समीप रोपण, और नए तथ्यों के हिसाब से जो नए खोज हुए हैं इसके हिसाब से इसका विस्तार सहारनपुर के क्षेत्र तक, जो अपना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसमें सहारनपुर के कुछ क्षेत्रों तक ऐसे नगर व्यवस्थाएं पाई गई हैं जो सिंधु सभ्यता में पाई जाती थीं। लोथल से सबसे बड़ी जहाजों की गोदी, जिसे डॉक यार्ड कहते हैं, जहां जहाज इकट्ठे पानी वाले होते हैं, इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी उस समय समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। हड़प्पन लिपि को भावचित्रात्मक लिपि कहते हैं। अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है, और यह लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। दाई से मतलब राइट टू लेफ्ट इट इज रिटन। नगर योजना की बात करें, नगर योजना बहुत ही विशेष प्रकार की होती है हड़प्पा संस्कृति में, और ये अत्यंत विशिष्टता वाली बात है। इनकी नगर नियोजन जल निकासी बहुत अच्छे से होती थी। नगर के उच्च भागों को, जो ऊपरी हिस्से होते थे, उनको नगर दुर्ग एवं निम्न भाग को निचला नगर कहा गया है इतिहासकारों द्वारा। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के लिए जहां रहते थे वो भी किले के अंदर घिरा हुआ था। मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान जो उस समय होते होंगे या जो सामूहिक सामाजिक कार्य होते होंगे उसके लिए इस वृहद स्नानागार का प्रयोग वहां के लोग करते होंगे। इसके मध्य की स्नानाकुंड 11.88 मीटर लंबा है और चौड़ाई 7.01 मीटर है, जबकि इसकी गहराई 2.43 मीटर है। इसका जो प्रयोग है, जैसा कि हमने बात किया, अनुष्ठानिक कार्यों के लिए किया जाता होगा। सामाजिक जीवन की बात करते हैं, परिवार समाज का मुख्य आधार था, जो संभवतः मात्र सत्तात्मक होता था, यानी माता का प्रभाव अधिक था, पिता का प्रभाव कम था। समाज को चार वर्गों में बांटा गया है। पहला विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरे व्यापारी और चौथे शिल्पकार। फिर से, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार, तो ये चार लोग थे। लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के हुआ करते थे। आमोद प्रमोद का मुख्य साधन जुआ होता था, शिकार करना भी और नृत्य संगीत वगैरह भी थे। इस तरह से हड़प्पावासी जो वहां के निवासी हुआ करते थे, ऊनी और सूती दोनों प्रकार के वस्त्र पहना करते थे। शवों को जलाने की भी प्रथा थी और उनको दफनाने की भी प्रथा थी, यानी दोनों ही प्रथाएं उस समय होती थी। इसके बाद बात करते हैं धार्मिक व्यवस्था की। तो सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और वृक्ष पूजा का प्रचलन भी था उस समय। मंदिर के अवशेष तो नहीं मिले हैं, फिर भी मातृ देवी की उपासना के साथ साथ कुबड़ वाला सांड लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। नाग की पूजा भी होती थी ऐसा माना जाता है। आर्थिक जीवन की बात करते हैं, आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार
कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार थे। हड़प्पा संस्कृति से नौ फसलों की जानकारी मिलती है, जैसे गेहूं, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल। कौन कौन से? गेहूं, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल। विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ यहीं पर हुई थी। इसी कारण यूनानियों ने इसे सिंडान कहा। सिंडान, कपास की खेती यहीं हुई इसलिए इसे सिंडान कहा। बैल, भेड़, बकरी, ये सब पालतू पशु के रूप में तब तक विकसित हो गए थे और लोग इन्हें पालतू बना चुके थे। लोगों का मुख्य पेशा शिल्प और उद्योग हुआ करता था। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण और बाट बनाना इत्यादि सम्मिलित थे। व्यापार के संदर्भ में सारगोन युगीन अभिलेखों से मेलुहा तथा दिलुमन, जो कि बहरीन में है, तथा मगन यानी माकन का उल्लेख मिलता है। मेलुहा बहुत ही बेहतर स्थान है और मेलुहा पर एक पुस्तक भी लिखी गई है जिसको अमीश त्रिपाठी ने लिखा है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में आजकल अमीश त्रिपाठी जी की ये पुस्तक भी है, क्योंकि ये भारत के लेखक के रूप में टाइकून बन चुके हैं, यानी बहुत बड़ा नाम हो चुका है। और उस पुस्तक का नाम है मेलुहा की मृत्युंजय। जो उन्होंने पुस्तक लिखी है उसका नाम है मेलुहा की मृत्युंजय। तो दो सवाल यहाँ से बनते हैं। फिर मेलुहा की पहचान सिंधु घाटी से होती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, का व्यापार, इनकी पहचान प्रसिद्ध व्यापारी के केंद्रों के रूप में होता है। कालीबंगा से प्राप्त मेसोपोटामिया की बेलनाकार आकृति सिंधु प्रदेश के बीच घनिष्ठ व्यापार का संबंध स्थापित करता हुआ माना जाता है। यानी मेसोपोटामिया से सिंधु की अच्छी खासी व्यापार होती थी। फिर सिंधु सभ्यता के सिक्के तो नहीं मिलते हैं, इसलिए माना जाता है कि वस्तु विनिमय व्यापार का मुख्य तरीका रहा होगा। भारत में चांदी का सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में ही प्रयोग हुआ, क्योंकि वहीं से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ऐसा माना जाता है। तो हड़प्पा संस्कृति से जुड़े कुछ प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता, वर्ष, नदी, स्थिति और उस पे जो साक्ष्य हैं उनको देख लेते हैं। स्थल है हड़प्पा। इसको उत्खनन करने वाले थे दयाराम साहनी 1921 में। नदी थी रावी नदी और स्थिति इसकी मानी जाती है मोंट गोमरी, यानी जो आज पाकिस्तान में है। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो थे मुहरों पर एक श्रृंगी पशु, यानी एक सींग वाला जो पशु है, साथ ही साथ तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई थी यहाँ से। दूसरा जो प्रमुख स्थल है वो है मोहनजोदड़ो, और राखल दास बनर्जी जी ने इसे उत्खनन किया था 1922 में सिंधु नदी के किनारे, और इस समय ये पाकिस्तान के लरकाना में है। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे तीन मुख वाले देवता जिनको पशुपतिनाथ कहा जाता है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति और विशाल अन्नागार तथा स्नानागार। फिर अगला जो प्रमुख स्थल है वो है चहुंजोदड़ो या चहुंदड़ो। एन जी मजुमदार जी ने 1931 में 1931 में इसे खोजा था। सिंधु नदी के किनारे सिंध पाकिस्तान में है इस समय, और मनके बनाने के कारखाने यहाँ से मिले थे। देन कालीबंगा, अमलानंद घोष 1953 में खोजा गया था। घग्घर हनुमानगढ़, जो इस समय राजस्थान में है, भारत के राजस्थान में, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट प्राप्त हुए थे यहाँ से। देन कोट दीजी धुर्वे ने खोजा था 1935 के आसपास सिंधु नदी के किनारे। खैरपुर, अब खैरपुर पाकिस्तान में है, यहाँ से पत्थर के बाणाग्र प्राप्त हुए हैं। देन रंगपुर को खोजा था एस आर राव ने 1953-54 में सिंधु सॉरी मादर नदी के किनारे। तो रंगपुर को मादर नदी के किनारे खोजा गया, और
इस समय ये काठियावाड़ गुजरात में है, यहाँ से चावल की भूसी प्राप्त हुई थी। फिर रोपड़, रोपड़ को उत्खनन किया था यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 56 के बीच में, सतलज नदी के किनारे है, इस समय रोपण में है, रोपण पंजाब में है भारत के। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसी तरह से लोथल, लोथल जो कि डॉकयार्ड माना जाता था, लोथल SR राव 1957-58 में इसे खोजा था। और भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे जो कि अब अहमदाबाद गुजरात में है भारत के, और यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुआ वो बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला जो स्थल है वो है बनावली। बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में खोजा था, सरस्वती नदी के किनारे जो कि अब विलुप्त मानी जाती है, हिसार हरियाणा में। और यहाँ से जो प्राप्त हुए साक्ष्य वो थे मिट्टी के खिलौने, हल और जौ। फिर हड़प्पा कालीन व्यापार की व्यवस्था कैसी थी, तो स्थल जो इसमें पहला हुआ अफगानिस्तान ईरान यानी मध्य एशिया, वहां से टीने का यानी टिन की वस्तु को आयात किया जाता था। फिर खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान, यहाँ से तांबा मंगाया जाता था। अफगानिस्तान, फारस और कर्नाटक से सोने का व्यापार होता था, गोल्ड। फिर अफगानिस्तान, फारस, ईरान, यहाँ से चांदी का व्यापार होता था, सिल्वर। इसके अलावा दक्षिण भारत, ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान से शीशे का व्यापार होता था, मीन्स जो शीशा कांच वगैरह है। इसके अलावा सौराष्ट्र से गोमद, गोमद का व्यापार होता था। फिर बदख्शां, बदख्शां जो कि अफगानिस्तान में है, वहां से लाजवर्द मणि, वहां से लाजवर्द मणि का जो व्यापार होता था। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता भारत के प्राचीन इतिहास में।